सपा नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री हाजी रियाज अहमद का निधन। कोरोना संक्रमित होने के बाद से बरेली के अस्पताल में थे भर्ती। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री हाजी रियाज अहमद का बुधवार की रात बरेली के निजी अस्पताल में निधन हो गया। कोरोना संक्रमित होने के बाद सांस लेने में तकलीफ होने पर उन्हें बरेली के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पीलीभीत शहर विधानसभा क्षेत्र से 5 बार विधायक रहे हाजी रियाज अहमद को 24 अप्रैल शनिवार को कोरोना संक्रमण के चलते जिला अस्पताल स्थित L2 अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसके बाद उन्हें बरेली के एक निजी अस्पताल में ले जाया गया जहां उनका इलाज चल रहा था। इलाज से सुधार हो रहा था, लेकिन बुधवार की रात अचानक उनका निधन हो गया। हाजी रियाज अहमद के निधन की सूचना मिलने से समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में शोक छा गया है। वहीं अन्य दलों के लोग भी शोक संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। जिला पंचायत के वार्ड सदस्य पद के लिए उनकी बेटी रुकैया और दामाद मोहम्मद आरिफ अलग अलग सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों प्रत्याशियों के चुनाव प्रचार में हाजी रियाज क्षेत्र के गांव का भ्रमण कर रहे थे। इस दौरान उन्हें पहले बुखार की शिकायत हुई थी। इस पर उन्होंने अपनी और परिवार के लोगों की कोरोना जाँच कराई थी, जिसमें वे खुद और उनकी बेटी रुकैया पॉजिटिव आई थी। इतिहास गवाह है, ये मसला भी सुलझ जाएगा। जिंदा रहने का ये जो जज्बा है, गुम हुआ है, टूटा नहीं। जिंदा रहने का ये जो जज्बा है, गुम हुआ है, टूटा नहीं। यही जज्बा फिर असर लाएगा, फिर उभर आएगा। मुश्किल बहुत है, मगर वक्त ही तो है। गुजर जाएगा, गुजर जाएगा।